हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं आईना भारत का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके ज्ञानार्जन हेतु आपकी बुद्धि का परीक्षण करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछता रहता हूं, तो आज भी मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं और आप पूरे वीडियो को देख करके जाइए और आपको बताना है कि आखिरकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो बने रहिए पूरे वीडियो पर। मेरा पहला प्रश्न है और आपको बताना है कि ऐसी वो कौन सी चीज है जो आदमी ले सकता है, दे नहीं सकता है। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और टाइप करके बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर है जान। व्यक्ति जान ले सकता है, दे नहीं सकता। दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आपको बताना है कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो हॉस्पिटल में आपको पैसे दे करके लेनी पड़ती है और बाहर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है और आप उत्तर टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी वो चीज़ है जो आपको हॉस्पिटल में पैसे देकर के मिलती है, बाहर फ्री मिलती है, वो है ऑक्सीजन। दोस्तों, तीसरा सवाल हमारा आपके लिए और आपको बताना है कि ऐसा वो कौन सा शब्द है जो हर डिक्शनरी में गलत लिखा जाता है और गलत पढ़ा जाता है। आपको ये शब्द सोचना है और टाइप करके बताना है कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, बताना चाहता हूं कि वो शब्द है गलत, गलत, गलत। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो आधी रात को आती है और आधी ही रात को चली जाती है। दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और टाइप करके बताना है और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के उत्तर आपके सही निकले। कि इस प्रश्न का उत्तर है तारीख। दोस्तों, इस प्रश्नमाला का आखिरी प्रश्न आपको बताना है, 5वां प्रश्न है कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो लड़के खाते हैं और लड़कियां पहनती हैं। 5 सेकंड का समय है आपके पास और आपको बताना है। मैं प्रश्न दोहरा दे रहा हूं, ऐसी वो चीज़ जो लड़के खाते हैं और लड़कियां पहनती हैं। तो दोस्तों, बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर है लौंग। लौंग लड़के खाते हैं और लड़कियां अपनी नाक में पहनती हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी ये प्रश्नमाला आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और सारे क्वेश्चन के आंसर को मिलान करना कि आपके कितने आंसर सटीक थे।